अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है द साइंटिफिक हिंदू की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको मालूम है कि भारत दुबई में एक हिंदू टेंपल का जो है वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है 5 अक्टूबर को, और काफी बड़ा सुनने में आता है कि ये टेम्पल है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस टेम्पल में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, और मतलब इसमें हर तरह के हिंदू देवी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। और उसके अलावा आप देखें तो एक तरफ ये टेम्पल है और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है वहां पर, मतलब कि लोग इस बात पे इश्यूज भी उठा रहे हैं, मतलब हिंदुइज्म के अगेंस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने जो है वो PFI जो है उसको क्यों बैन किया है, एंड जो है वो इसके ऊपर लोग मंदिर के ऊपर जो है वो अपनी क्या राय देते हैं। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आखिर कौन से मुस्लिम देश में बन गया है विशाल हिंदू मंदिर, इसे देखकर कट्टरपंथी क्यों बौखलाए हुए हैं? मुस्लिम देश में बने इस मंदिर को देखकर आखिर क्यों कट्टरपंथियों की जान सूख रही है? आखिर क्यों तिल मिला रहा है पाकिस्तान? दोस्तों, आजकल कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि धर्म का उदय हो रहा है। देश विदेश में हिंदू धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर अधर्मियों के तन बदन में आग लगी हुई है, क्योंकि जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, हकीकत में अब उन्हें भगवा अरब होता दिखाई दे रहा है। जो लोग मंदिर तोड़ते थे, या यूं कहें कि जिनका इतिहास ही मंदिर तोड़ने से शुरू हुआ था, वह आज मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां मानव से लेकर पशु पक्षी तक को भोजन और विश्रांति प्राप्त होती है। वहीं अन्य मजहबी स्थलों पर केवल समुदाय विशेष को छोड़कर किसी दूसरे को पानी भी नहीं मिलता। खाड़ी देशों को शायद ये बात अब अच्छी तरह समझ आ रही है कि यदि सुख शांति से रहना है तो हमें सनातन धर्म का सम्मान करना ही पड़ेगा, और वह कर भी रहे हैं। परंतु जिनके पुरखों ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, वह अब आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि इधर भारत ने गजवाए हिंद पर करारा प्रहार किया है और उधर एक मुस्लिम देश ने भगवा अरब का द्वार खोल दिया है। आखिर किस देश ने खोला है भगवा अरब का द्वार? गजवाए हिंद पर कैसे प्रहार हुआ है? कट्टरपंथी क्यों बिलबिलाए हुए हैं? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिए, वास्तविक आनंद तभी प्राप्त होगा। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत गजवाए हिंद हो चुका है, न घंटी न शंख न आरती, अब हर तरफ केवल अजान सुनाई दे रही है, एक भी हिंदू नजर नहीं आ रहा है, और मंदिर तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। ऊपर अल्लाह और नीचे मुसलमान, इन दोनों के बीच में केवल कुरान, बाकी सब खत्म हो चुका है। भारत की धरती पर केवल एक ही मजहब जीवित है, बाकी सबका खात्मा हो चुका है। दोस्तों, ऐसा ही एक हसीन ख्वाब कट्टरपंथी सैकड़ों सालों से देखते आ रहे हैं। अभी यह ख्वाब चल ही रहा था कि अचानक दोनों गालों पर जोरदार तमाचे पड़ गए और कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। जी हां मित्रों, एक तमाचा मारा है भारत सरकार ने और दूसरा तमाचा दुबई सरकार ने जड़ा है। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत सरकार ने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया है।
यह वही PFI है जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रही थी, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। यह वही PFI है जो 2047 तक भारत को पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। दिल्ली और मेरठ दंगों में भी इसकी अहम भूमिका उजागर हुई है। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो यह एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो भारत में अब तक वैधानिक रूप से संचालित था। तमाम प्रमाणों के आधार पर 27 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने PFI पर प्रतिबंध लगा दिया और यह जोरदार तमाचा पड़ते ही गजवा हिंद का ख्वाब टूट गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक खास मजहब का दर्द छलक गया है। हलीम चाचा को अभी ठीक तरह से होश भी नहीं आया था कि दूसरा तमाचा दुबई सरकार ने जड़ दिया। अब हलीम चाचा के तन बदन में आग लगी हुई है। दरअसल दुबई के जेबल अली के वर्शिप विलेज में दुबई सरकार ने एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है। इस मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, भारत व पाकिस्तान के कट्टरपंथी उसी समय भड़क गए थे। सोशल मीडिया पर लगातार यह लोग दुबई सरकार को कोस रहे थे, परंतु एक मुस्लिम देश में कौन जाएगा मंदिर, कौन करेगा वहाँ पूजा, यह सोचकर वह शांत हो गए थे और गजवाए हिंद का ख्वाब देखने में मशगूल थे। और जैसे ही दुबई का यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह मंदिर 5 अक्टूबर को खुलेगा, परंतु भीड़ अभी से ही बढ़ने लगी। लगातार ऐसी खबरें सुन सुनकर हलीम चाचा अब सो नहीं पा रहे हैं। उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि गजवाए हिंद की जगह अब उन्हें भगवा अरब दिखाई दे रहा है। गल्फ न्यूज के अनुसार यहाँ हिंदू लोग पूरे विधि विधान सहित पूजा अर्चना कर सकेंगे तथा दूसरे धर्मों को मानने वाले आगंतुकों को 16 देव प्रतिमाओं एवं मंदिर की साज सज्जा देखने की अनुमति होगी। मंदिर की साज सज्जा देखने के लिए यह मंदिर 1 सितंबर 2022 को ही खोल दिया गया था। इस दौरान 1 सितंबर को मंदिर प्रबंधन ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से QR कोड आधारित प्रवेश का समय बुक कराने वाली प्रणाली भी सक्रिय की है। दोस्तों, यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वीकेंड के दिनों में यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाती। सफेद संगमरमर से बना यह बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। खास बात यह है कि मंदिर प्रत्येक दिन खुला रहेगा और यहाँ कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं रखा गया है। दोस्तों, भीड़ को नियंत्रित और कम रखने के लिए बुकिंग प्रणाली शुरू की गई है। गौरतलब है कि इतनी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है कि मंदिर में प्रवेश पाने के लिए अक्टूबर के अंत तक कोई भी दिन नहीं खाली। बुकिंग प्रणाली भी अक्टूबर के अंत तक काम करेगी। इसके बाद लोग मंदिर खुले रहने के दौरान आने जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से मंदिर का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2022 को होना है, लेकिन 1 सितंबर से ही यहां वेद पाठ शुरू हो गया था। जानकारी के अनुसार भारत से गया हुआ 14 ब्राह्मणों का समूह यहां वेद पाठ कर रहा है और यह वेद पाठ सुबह के समय 7:30 बजे से 11 बजे तक और दोपहर बाद 3:30 से रात 8 बजे तक होता है। 70,000 वर्ग फीट में बना यह मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में है। दूध जैसी सफेद मार्बल के 9 ऊंचे ऊंचे स्तंभ, विशाल प्रांगण, हाथों से की गई खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे आदि मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को 2 चरणों में खोला जाएगा। पहले चरण में 5 अक्टूबर को पूजा स्थल आम लोगों के लिए खुलेगा। इसके बाद दूसरे चरण में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को ज्ञान कक्ष और सामुदायिक कक्ष आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मंदिर में हवन पूजा आदि अनुष्ठान करने के साथ साथ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी हो सकेंगे। यहाँ एक समय में लगभग 1200 लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। इस मंदिर की पहली मंजिल पर प्रार्थना सभागार है, जहाँ हिंदुओं के 16 देवी देवताओं की पूजा होगी। इसके अलावा सिखों की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को रखने के लिए भी एक अलग कक्ष बनाया गया है। यहाँ 4000 वर्ग फीट का एक बैंक्वेट हॉल, एक मल्टीपर्पस रूम तथा एक ज्ञान कक्ष है। सामुदायिक हॉल और ज्ञान कक्ष में कई LCD स्क्रीन भी लगाई गई हैं। इसके अलावा पहली मंजिल पर तुलसी के पौधे के लिए पोडियम के साथ साथ 9 ग्रहों के लिए भी अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। मंदिर की खूबसूरती, भव्यता और आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी आग बबूला हुए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वह दुबई सरकार को उल जलूल कमेंट के जरिए कोस रहे हैं। दरअसल उनकी यह बौखलाहट मंदिर के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उन्हें अब गजवा हिंद की जगह भगवा अरब होता दिखाई दे रहा है।
5 अक्टूबर को जैसे इस मंदिर का उद्घाटन होगा, हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अवश्य देंगे। ऐसी जानकारी और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये हिंदू टेंपल तो काफी खूबसूरत टेंपल बनाया है दुबई में, और जबल अली जो है वो एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत 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 ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया मैं कह सकती हूँ, और काफी खूबसूरत अट्रैक्शंस जो है वो आपको जबल अली में मिल जाती हैं। और जबल अली बेसिकली एंड ऑफ द दुबई है, फिर उसके बाद अबू धाबी का जो है वो आगे से जो है वो रूट स्टार्ट हो जाता है, मतलब अबू धाबी जाने के लिए जो है ना इस रूट को ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। वेल ओवरऑल जो है यहाँ पर ये टेंपल जो है वो स्टार्ट हो गया है और बन चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर जो है वो लोग पहले से ही आ रहे हैं। ये एक मोहब्बत है और लोगों की एक एक्साइटमेंट भी है कि देखें भाई ये टेंपल के बारे में इतना सुना है, इतने टाइम से बन रहा है, तो आज जाकर देखते हैं कि ये टेंपल बना कैसा है। तो काफी अच्छा लग रहा है ये वीडियो देख के, खुशी भी हुई और काफी देखकर आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ पर काफी चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। हालांकि लोगों की सोच चेंज हो रही है, सबसे मेन चीज होती है लोगों की सोच चेंज होना, जो कि उनकी सोच चेंज हो रही है ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जो है आजकल वैसे तो मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर ये बड़ा ही बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है जो लोग एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को राइट है वो अपने पूजा भी करे, अपना इबादत भी करे, जिसको जहाँ पर मंदिर भी बनने चाहिए, मस्जिद भी बनने चाहिए, गुरुद्वारे भी बनने चाहिए, चर्च भी बनने चाहिए, भाई नमाज पढ़ने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना, तो इस तरह से यहाँ पर पूजा करने के लिए जगह तो होनी चाहिए। अब जारी बात है दुबई जैसी कंट्री में आपको पता है यूएई में कितने ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, अगर ये लोग शेख जो है अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे या फिर इतनी आजादी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है लोग अपने आप को आजाद फील नहीं कराएंगे, और जाहिर सी बात है इन लोगों को अपनी अपने आप को अपनी इमेज को हाईलाइट तो करना है ना, पूरी दुनिया में लोगों को दिखाना है ना कि हम लोग हैं ये सब। खैर ओवरऑल अच्छा लगा ये वीडियो देख के, सो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी नरेंद्र मोदी जी ने ये जो PFI का जो ये जो डेलीगेशन है उसको बैन कर दिया है, सो आई थिंक इसके पीछे भी सही है कि वो है तो कंट्री हिंदुइज्म है ना, हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान विच मीन इज दैट कि हिंदुइज्म वहां पर वहीं से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब वहां पर अब लोग कहें कि ये मुस्लिम कंट्री बन जाए तो ऐसा तो हो ही सकता है, ये वो दौर तो नहीं है जब मुगल थे या फिर सिकंदर थे और पता नहीं कौन कौन थे, तो वो वक्त नहीं रहा, अब वक्त चेंज हो गया, अब जो है वो हिंदुइज्म जहाँ पर था वो वहां पर सारे हिंदू रहते हैं, वो इस चीज को बिलीव करते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो होंगी कंटिन्यूसली। सो खैर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कभी हो भी पाएगा दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट हो पाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। जाहिर सी बात है अब लोग एजुकेट भी हो गए हैं, अब किसी को वो वक्त दोबारा से क्या लगता है 1947 से पहले का जो माहौल है वो दोबारा से क्रिएट होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी पॉसिबल होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर।